देखिए सरकार अनाज फ्री देने की नहीं, सरकार तो अभी ये मोदी सरकार हो या ठाकरे सरकार हो, तुम्हारे घर में का आटे का डब्बा भी उठा के ले आने के चक्कर में, ये देने के मूड में नहीं है, ये लेने के मूड में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद बहुत गंभीर है, समझ में नहीं आ रहा शुरू कहां से करूं। समस्या बहुत ज़्यादा है, आप यकीन मानिए अभी सुबह 7 बजे सोया मैं, रात भर लोगों के कॉल्स आते रहते हैं, लोग कोविड से भी परेशान हैं, लोग पुलिस से भी परेशान हैं, लोग तंगी से भी परेशान हैं, लोग कारोबार से भी परेशान हैं, और सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शर्म आनी चाहिए इनको कि आज महाराष्ट्र को ये सौतेली औलाद का सलूक कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि आज उनका ध्यान महाराष्ट्र पे नहीं है, उनका ध्यान 5 स्टेट के इलेक्शन में है। उसी तरीके से शर्म आना चाहिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि जो बातें तो बड़ी बड़ी करते कि महाराष्ट्र माजा आसान, महाराष्ट्र माजा तसा, साहब अभी हमने राजेश टोपे साहब को एक लेटर फैक्स करे, उनको एक लेटर दिए, और टोपे साहब मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि औरंगाबाद में एक फटका मारिए, एक सैर कीजिए और थोड़ा अपनी इन्फॉर्मेशन लीजिए। औरंगाबाद में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, औरंगाबाद में किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, औरंगाबाद में किसी भी हॉस्पिटल में बेड भी नहीं है, लोग अपने पेशेंट को लेकर इधर से उधर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, बड़े मुश्किल से कहीं वो अपने पेशेंट को एडजस्ट कर भी लेते हैं तो उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। रात रात भर लोग जो है दर बदर मेडिकलों की खाक छान रहे हैं, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। और ये सारी समस्या से सरकार जो है तो जानती है, लेकिन उसके बावजूद जनता पे सिर्फ प्रतिबंध के कानून थोपे जा रहे हैं। देखिए हमारे जितने भी आम कार्यकर्ता तो हम इसमें नहीं बुलाएंगे, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी है तो ये सारे लोग शामिल रहेंगे, और इनकी संख्या नियर अबाउट 40 से 50 हो सकती है। और ऐसे कौन से संगठन है जिसने आपको समर्थन देने की बात कही है? ऐसे बहुत सारी संगठन है, अभी तो हम उसका नाम नहीं बताएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, संगठना है जो छोटी छोटी संगठन है, अपने अपने शहर के हिसाब से काम करते हैं, जालने के भी कुछ संगठना है जो हमारे साथ जुड़ी है, वो भी लोग हमारे साथ रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोरोना काल चल रहा है और प्रशासन ने भी जो दूसरी पार्टियां है उनसे अपना समर्थन मांगा है कि कोरोना काल में हमें एक होकर लड़ना है, ऐसे टाइम पे अगर आप ठिया आंदोलन निकालेंगे, पब्लिक को बाहर निकालेंगे तो कोरोना ज़्यादा फैलने के चांसेस है? भैया अगर से कोरोना नहीं रहता था, कोरोना का काल नहीं रहता तो आंदोलन हम करते क्यों थे? कोरोना का काल है, लोग परेशानी और कोरोना की ही दवा हम लोगों को अवेलेबल करा के तो बोल रहे, यही मांग है हमारी, कोरोना को बढ़ाने के लिए नहीं, कोरोना को ख़त्म करने के लिए सरकार ने जो मेडिसिन उनको उपलब्ध कराना चाहिए यही उपलब्ध कराओ, यही हमारी मांग है। सरकार वो नहीं कर रही है और सरकार को करना चाहिए, और सरकार अगर नहीं करती तो जिस जबान में सरकार को भाषा समझ में आएंगी उस जबान में हम सरकार से बात करेंगे। लेकिन अगर ठिया आंदोलन के टाइम पर अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि परमिशन तो अभी नहीं है प्रशासन की तरफ से, आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, मोर्चे नहीं निकाल सकते, फिर भी आप आह्वान कर रहे सबको ठिया आंदोलन के लिए, मैं जा रहा हूँ, आप सब जमा हो जाइए एक जगह? नहीं देखिए मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूँ कि परमिशन नहीं है, कोई भी राजकीय सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम को परमिशन नहीं है। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री कर सकता, अभी मुख्यमंत्री ने जो है तो बम्बई में बाला साहब ठाकरे स्मारक का जो है तो भूमि पूजन किया, ये अलग बात है कि वो लोग कर सकते हैं, आम जनता को परमिशन नहीं है। लेकिन ये
ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेरे पे गुनाह दाखिल करेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं पे गुनाह दाखिल करेंगे। और वो समाज सेवक समाज सेवक ही नहीं है जो जनता के लिए गुनाह से गुनाह दाखिल होने से डरे, हम नहीं डरते। वो चाहे कुछ भी करे, उनको जो करना है वो करेंगे, हमको जो करना है वो हम करेंगे। आपको नहीं लगता इसमें पॉलिटिक्स नज़र आ रही है? नहीं, मैं कभी आमदार के लिए खड़े नहीं रहूँगा, कभी खासदार के लिए खड़े नहीं रहूँगा। अभी हमने इलेक्शन भी नहीं लड़े और लड़ने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, लड़ना भी नहीं चाहते। हम पब्लिक का ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, हर समाज को अपने साथ में लेकर गौर गरीबों की आवाज़ को उठाना चाहते। जो मैं बोल रहा हूँ आपको नज़र में अकेला आ रहा हूँ, लेकिन हर हर इंसान की आज, हर गरीब की, हर मजबूर की आवाज़ है जो मेरी ज़बान से आपको सुनाई दे रही है। एक आखिरी सवाल ऐसा है कि जैसे लास्ट टाइम जब पिछले टाइम जब कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो है तो सबको 3 महीना राशन फ्री देने की बात कही थी। अब ऐसा कुछ भी आह्वान या सरकार की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई है, तो आप लोग ये चीज़ के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार सब बंद है, पिछले टाइम जैसा सरकार ने अनाज फ्री दी थी इस टाइम पर भी देना चाहिए? देखिए, सरकार अनाज फ्री देने की नहीं, सरकार तो अभी ये मोदी सरकार हो या ठाकरे सरकार हो, तुम्हारे घर में का आटे का डब्बा भी उठा के ले जाने के चक्कर में, ये देने के मूड में नहीं है, ये लेने के मूड में है। और उनको लेने के मूड की एक शुरुआत ये है कि आज लोगों को खाने पीने को परेशान नहीं है। और हम महाराष्ट्र के जो पुलिस है, तो ये रोड पर जो है तो 8 से 11 तक पब्लिक को लूट के 11 के बाद घर पर जाके सो रहे हैं। ताज्जुब और कमाल और शर्म की बात है। लॉकडाउन का नाम चेंज करके इन्होंने जो तो हाँ धोखा दे रहे, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। समर्थन करते हैं ब्रेक द चैन का? नहीं, देखिए, मैं ब्रेक द चैन के ना समर्थन में हूँ ना फेवर में हूँ, लॉकडाउन के समर्थन में हूँ ना फेवर में हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये बीमारी का इलाज अच्छे से हो, लोग पेशेंट को लेकर दर बदर ना भटके, लोग अपने घरों में पेशेंट को मरता हुआ देखने को मजबूर ना हो, जो सुविधा चाहिए वो सुविधा सरकार उपलब्ध कराए, बस इतना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। 14 अप्रैल आ रही है और साथ में रमजान भी है, क्या आह्वान करेंगे जनता से और क्या कहेंगे सरकार को? 14 अप्रैल का तो हमारा इरादा चल रहा है कि लोक विकास परिषद अपनी गाड़ी निकालेगी नियमों का पालन करते हुए, और रमज़ान मुबारक महीना है और हमारा देश ईश्वर को अल्लाह को मानने वाला देश है। इसी बहाने मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि रमज़ान में खुसूसन दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह इस वबा से हमारे छुटकारा दे। ये वबा छुट्टी है लेकिन सरकार की जो वबा है ये ज़्यादा है, तो इसलिए कोशिश ये भी करना पड़ेगी ये सरकारों से भी छुटकारा मिले। हमारा सवाल वही है, छुटकारा किसे, सरकार से क्या कोरोना से? कोरोना के परेशानी थोड़ी है, सरकार ने जो गलत नीतियों से गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया है, कानून बनाए हैं और पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये ज़्यादा गलत है। तो कोरोना से भी छुटकारा चाहिए और ये सरकारों से भी छुटकारा मतलब चाहिए। महागाड़ी सरकार पे आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं।